अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो अब अभी को बताना पड़ेगा कि हमारी दुख की घड़ी खत्म हो गई है, बड़ी अम्मी की याददाश्त वापस आ गई है, उनको सब कुछ याद आ गया है। अब गजल को सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। दुआ भाभी को फोन करता हूँ मैं। दुआ भाभी फोन नहीं उठा रही हैं। दुआ और हैदर डॉक्टर के पास गए हैं, कोई बातचीत चल रही होगी इसलिए फोन नहीं उठा रहे हैं। तुम थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश कर लो। ठीक है दादी। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हिना को सब कुछ याद आ रहा है, मगर अभी हमारी उलझन सुलझी नहीं है। कल अगर हिना को फिर से याददाश्त जाने का दौरा पड़ गया तो उसने कबूल कर लिया है कि गजल उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, मगर कल अगर उसने अपना बयान बदल दिया तो फिर हम क्या करेंगे? सही कहा आप आपने। अगर बाजी अपनी बात से मुकर गई तो पर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाजी की गवाही महफूज रखने के लिए मेरे पास एक तरीका है। ये मोबाइल फोन, आप समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं पूरी तरह से समझ गई गुलनाज। मेरी जान, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही। कहीं मत जाना। आ रही हो आपके पास। मेरी सहेली, मेरी बात सुनो। घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। एक बार फिर बताओ, उस दिन तुम्हें खिड़की से धक्का किसने दिया? गजल ने। गजल ने मुझे खिड़की से धक्का देके मुझे गिरा दिया, मुझे मारने की कोशिश। नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, नहीं छोड़ेंगे हिना। ऐसे संजीदा मौके पे मैं फोटो खींचने की सोच रही हूँ। मम्मी, मैं फोटो नहीं खींच रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। वीडियो क्यों? बाजी की गवाही रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। एक बार बाजी की गवाही रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद इनकी याददाश्त अगर दोबारा चली भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फर्क पड़ता है, लेकिन गजल जेल की सलाखों के पीछे जरूर होगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।